दिल्ली सरकार का मैं यही सपोर्ट मानता हूँ कि जो स्कूल्स को इस लेवल का बनाया कि मैं ये सोच भी पाया कि मैं IIT जा भी सकता। सरकारी स्कूल वाले ही बच्चे को हमारे हिम्मत दिए और पढ़ाए तो पढ़ लिए। गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ कर दिया है, बहुत ज्यादा सुधार हो गया है। बस आपको अपने मन से बात निकालनी है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में कोचिंग लेते हैं बच्चे तो भी इस लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हर बच्चे पढ़ लेंगे, जिसको नहीं है खाने को वो भी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2013 से। उस दिन लोगों के हक की लड़ाई लड़ने वाले एक आम आदमी ने दिल्ली की CM पद की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत माता की। और फिर शुरू हुआ दिल्ली के हर आम आदमी को उसका हक दिलाने का एक सिलसिला। अगर अपने समाज को हमें पिछड़ेपन से हटाना है, अगर अपने समाज की गरीबी दूर करनी है, अगर अपने समाज को बराबरी का हक दिलाना है, तो एक ही चीज कर सकती है, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो सारे समाज के साथ बराबरी का हक लेंगे, गरीबी दूर होगी और सारे सबके साथ हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत हुई बच्चों की शिक्षा से। गंदे और टूटे हुए स्कूलों की जगह नई शानदार चमचमाती हुई बिल्डिंग खड़ी हो गई। शिक्षकों की विदेशों में ट्रेनिंग, नए नए पाठ्यक्रम, शिक्षकों और छात्रों में नया आत्मविश्वास भरते गए। साल 2022 तक आते आते दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ चुके थे। 99.7% परिणाम के साथ दिल्ली के बच्चे को सपनों के पंख लग चुके थे और वो कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए तैयार थे। ये खुशी है। खुशी दिल्ली के एक सामान्य परिवार से है। पिता नहीं है, माँ घर चलाती है, अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाती है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़कर खुशी आज दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज DTU में पढ़ाई कर रही है। 11th से पहले 9th 10th में मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, वो भी गवर्नमेंट का ही है, जवाहर नवोदय विद्यालय JNV मुंगेशपुर दिल्ली। तो पहले मैंने सोचा कि मैं वहीं से कंटिन्यू करूँ 11th 12th, बट बाद में ऐसा था कि शुरू में ऐसा लगता था कि कोचिंग के बिना नहीं हो सकता, तो इसलिए हॉस्टल छोड़ दिया। सब लोगों ने मना किया बट मैंने छोड़ दिया कि मुझे कोचिंग लेनी है JEE के लिए, मैंने छोड़ दिया। कोविड टाइम आया, लॉकडाउन में कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस चली, मैंने एक वीक क्लास ली होगी, उसके बाद मुझे समझ आ गया कि कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है और घर वालों के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। जब मैंने कोचिंग छोड़ी तो सब लोग कह रहे नहीं होगा नहीं होगा, मैंने कहा हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी थोड़ा सा था कि शायद नहीं होगा और मैंने गलती कर दी, और अगर मेरा नहीं हुआ तब घर वालों को क्या जवाब दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन मतलब मैंने टीचर्स को एक बार बता दिया कि मैं JEE कर रही हूँ और फिर मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने कोचिंग छोड़ दी, वो मेरे को काफ़ी मोटिवेट करते थे, नहीं बेटा कोचिंग के बिना भी लोगों का होता है। 12th में सर अलका तनेजा मैडम केमिस्ट्री की बहुत अच्छी है, खुशी की, वो बहुत कोऑपरेट करती थी स्कूल में भी और बाद में भी। वो कहती थी कि मेरे लेवल के जो खुशी क्वेश्चन होंगे JEE वगैरह के, तो मैं बेटा भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको क्लियर करके दूंगी। मेजर डाउट्स मेरे केमिस्ट्री में निकलते थे तो मैं उनको डाउट सेंड कर देती थी, उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर दे रखा था और बोला था कि इस पे सेंड कर दिया करो बेटा जो भी होगा डाउट, तो मैं उनको डाउट सेंड कर देती थी, वो एक दो दिन में मेरे को बना के भेज देती थी। वो मुझे लाइक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके भी उन्होंने मुझे समझाया, तो वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और अटेंडेंस वगैरह के इशू में बाकी टीचर्स ने भी काफी सपोर्ट किया है। जो क्लासेस डेली होती थी वो तो होती ही थी, और उसके अलावा भी मैं सभी टीचर्स ने से बोला हुआ था। एक ना प्रीति डागर मैडम भी थी, लेकिन वो बायोलॉजी की थी, इसका कोई लेना देना नहीं था, बट शी इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। प्रैक्टिकल नॉलेज काफी ज्यादा मिली स्कूल से, अब प्रैक्टिकल बेस भी काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्कूल में प्रैक्टिकल करती थी तो अलग से उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो क्वेश्चन वहीं हो जाते थे। अब टीचर्स ना काफी मोटिवेट भी करते थे, क्योंकि मेरे स्कूल में ऐसा है कि मेरे पूरे बैच में मेरे सिवाय किसी भी बच्चे का ना JEE हुआ है ना NEET हुआ है, तो टीचर्स को मेरे से काफ़ी उम्मीद थी। एक मैथ्स वाली मैम भी और फिजिक्स वाली मैम, तो जब भी मेरा JEE मेन जैसे 4 बार हुआ है, जब भी मेरा रिजल्ट आता था हर बार मेरे से पूछती थी, हर रिजल्ट के बाद पूछती थी कि क्या परसेंटेज आई, और पूरा मेरा रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड से देखती थी रिजल्ट का, और फिर उसको थोड़ा सा एनालाइज करती थी कि इसमें क्यों कम आई, इस बार तूने क्यों नहीं पढ़ाई है, तो ऐसे ऐसे वो पूरा मतलब काफ़ी इमोशनल सपोर्ट भी था टीचर्स की साइड से। और फिजिक्स वाली टीचर भी मतलब मेरे डाउट्स वगैरह बता देती थी थ्योरी में जो होते थे,
और केमिस्ट्री टीचर का तो मैं बताया ही, अलका मैम उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हेल्प की। ऑफलाइन में भी मैं उनसे जाके लाइक जब भी वो फ्री होती थी मैं उनसे जाके पूरा पूरा चैप्टर समझ लेती थी अकेले में, वो मना नहीं करती थी कभी भी, वो बता देती मैं इतने से इतने फ्री हूँ तो आ जाइए, मैं पूरा चैप्टर समझ लेती थी। और ऑनलाइन हो गया तो मैं उनको फ़ोन पर डाउट्स भेजती रहती थी। कोचिंग लेते हैं बच्चे तो भी इस लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं, मेरे को तो भाई तेरे ऊपर नाज है और तूने बेटा ऐसे बगैर कोचिंग के और है ना सब कुछ किया, मैं तो खुश हूँ। मैं नवोदय में जाने से पहले मैंने 7th-8th भी गवर्नमेंट स्कूल से किया, पश्चिम विहार में एक गवर्नमेंट स्कूल था सर्वोदय स्कूल, वहाँ से किया। तो तब मेरे को उससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, तो तब मैं गवर्नमेंट में गई तो मुझे मेरे मन में फील थी गवर्नमेंट में गई अच्छा नहीं लग रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं लगा, टीचर्स भी अच्छे नहीं लगे। लेकिन उसके बाद मैं नवोदय में गई, फिर मैं दोबारा गवर्नमेंट में गई, तब मैंने देखा यार मतलब वो स्कूल बिल्कुल अलग था और ये वाला गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल अलग है। मतलब 2 साल में इतने चेंजेस आए हैं बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ कर दिया है, बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है, टीचर्स भी नए नए यंग लगा रहे हैं जो अभी अच्छे अच्छे कोर्सेज करके आए हैं, तो टीचर्स को सब आता है, बस आपको अपने मन से इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है, बस आपको अपने मन से बात निकालनी है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, आप स्कूल को आप स्कूल मानो, ये मत देखो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, बस मेन चीज़ एक बार दिमाग से चीज़ निकल गई ना कि गवर्नमेंट स्कूल में हो और स्कूल को अपना स्कूल मानो। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया, फैमिली में सब बहुत खुश, टीचर्स खुश, मैं खुश। ऐसी ही कहानी शुभम की भी है। मेरा नाम शुभम है, मैं दिल्ली के मोहन गार्डन क्षेत्र में रहता हूँ, मेरी उच्च शिक्षा दिल्ली के ही सर्वोदय बाल्य विद्यालय विकासपुरी से हुई थी जो कि दिल्ली का एक सरकारी स्कूल है, और अभी मैं वर्तमान समय में IIT BHU के कंप्यूटर साइंस विभाग में पढ़ रहा हूँ। मैं एक बिल्कुल ही नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर एक सिंपल जॉब करते हैं स्टोरकीपर की, मेरे फैमिली में मेरी मदर और मेरे 2 elder sisters हैं। प्राइवेट स्कूल में काफ़ी टाइम तक पढ़ा था, 8th to 10th में अपनी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा था, फिर जब 10th के बाद हायर स्टडीज़ की बात आई तो मैंने सोचा कि मेरे को साइंस स्ट्रीम लेना है क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट था। मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर की बहुत कमी है, एक ही टीचर 2-2 subject पढ़ा रहा है, मुझे वहाँ ठीक नहीं लगा। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाल सकें और मैं अपने पेरेंट्स पर ज़्यादा लोड भी नहीं देना चाहता था, फिर मेरे जो कुछ फ्रेंड्स ने भी बोला कि सरकारी स्कूल भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, आप यहाँ पर आकर देख सकते हो एक बार। उस टाइम तो काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम प्राइवेट से सरकारी स्कूल में मैं शिफ्ट हो रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं 11th क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं साइंस स्ट्रीम के साथ जाने वाला हूँ उस क्लास में, कहीं मेरा परफॉर्मेंस लो ना हो जाए, क्योंकि मैं आगे का सोच के रख रखा था कि मेरे को 11th-12th में जल्दी सिलेबस कवर करना है क्योंकि मेरे को आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने। जैसे हमारी बातें हुई तभी मैं इस बच्चे को पहचान गया कि भाई बड़ा अच्छा, बड़ा ब्रिलियंट, बड़ा शरीफ, इंटेलिजेंट, सिंसियर बच्चा है, तो मैंने इससे बातें करनी शुरू की। तो इन्होंने बताया कि सर मैं जो है IIT करना चाहता हूँ, तो मैंने काफ़ी इसको मोटिवेट किया। टीचर्स अपने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते थे और अगर कुछ भी हमें दिक्कत होती थी रजिस्ट्रेशन को लेकर, JEE में रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं समझ आ रहा है, कैसे करें कैसे ना करें, टीचर से पूछ लो, बिल्कुल देर इज़ ऑलवेज अ पर्सन हु कैन हेल्प अस। मैं शुभम को बताता कि आपको जो है नॉलेज ये इसके बारे में आपको कहाँ कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लाइब्रेरी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी में बड़ी अच्छी बुक्स हैं, कुछ बुक्स मैंने भी इनको जो प्रोवाइड की, जो मेरे पास जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ की जो अच्छी बुक्स थी मैंने इनको प्रोवाइड की, मैंने गाइडेंस दी कि आप जो है इसके बारे में कहाँ कहाँ से जो है आप हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से भी। दिल्ली सरकार का मैं यही सपोर्ट मानता हूँ कि जो स्कूल्स को इस लेवल का बनाया कि मैं ये सोच भी पाया कि मैं IIT जा भी सकता, इस तरीके का माहौल हमारे लिए क्रिएट किया, इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लाया कि हम भी कम्पीट कर सकते। मेंस जब क्लियर हुआ तो इसने कहा कि सर मेरा मेंस क्लियर हो गया है और मैं बस मेरा अच्छी जगह जो मिल जाएगा, तो मैंने कहा कि नहीं भाई मेंस यहीं आपने नहीं रुकना है, आपने और आगे जाना है, एडवांस लीजिए, आपको बड़ी अच्छी जो है रैंक आएगी आपकी और जो है आप और ज़्यादा आगे जाएंगे। JEE की तैयारी सर लोग उनको बताए जो JEE कर लो तुम पढ़ने में आगे निकल जाओगे, तो ये करने लगे, घर में 2-4 घंटा पढ़ते थे ऐसे, भाई इतना बड़ा तो आदमी हम हैं नहीं, उनको ट्यूशन भी नहीं करा पाए, सरकारी स्कूल वाले ही बच्चे को हमारे हिम्मत दिए और पढ़ाए तो पढ़ लिए। उसने बताया कि सर मेरा जो है इंटरेस्ट जो कंप्यूटर साइंस में फील्ड में है, और जब उसने बताया कि मुझे जो कंप्यूटर साइंस जो है IIT वाराणसी के अंदर मिल गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं फूला नहीं समाया। पूरे परिवार को खुशी है कि एक लड़का हमारा पढ़ने में कामयाबी सरकारी स्कूल से लेके आया। अगर ये सरकारी स्कूल नहीं हो पाते तो या तो मैं अपनी 11th-12th की फ़ीस ही भर पाता या फिर आगे मैं अपने कॉलेजेस की फ़ीस भर पाता, दोनों में से कोई एक ही चीज़ पॉसिबल हो पाती। तो अगर मैं अपने सारे जो पैसे इन्वेस्ट कर देता 11th-12th की पढ़ाई में
तो शायद मैं बाद में अगर कॉलेज में पहुंच भी पाता तो मेरा कॉलेज को कंटिन्यू कर पाना फिर मुश्किल हो जाता, क्योंकि मेरे पापा के सारे फंड्स वहाँ खत्म हो चुके होते और डर निकल गया। अब तो मैं कहती हूँ कि हर बच्चे पढ़ लेंगे, जिसको नहीं है खाने को वो भी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलेंगे। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नाम तो बहुत सुना था मैंने, लेकिन जब खुद से आकर यहाँ अनुभव किया तब मेरे को पता चला कि जो वादे जो दावे किए जाते हैं दिल्ली के स्कूल को लेकर वो बिल्कुल सही हैं। प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा सरकारी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे जा सकते हैं, जैसे कि आप शुभम को ही देख लीजिए, बिल्कुल एक नॉर्मल परिवार से बच्चा, और जिसके दौरान जो है कोविड एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी, उस दौरान भी इस बच्चे ने जो इतना अच्छी परफॉर्मेंस जो है दिखाई कि जो है हमारे स्कूल का बिल्कुल नाम रोशन हो गया। हम ये कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल अब किसी भी तरह से जो है पीछे नहीं है। हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर। कि अगर एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा आज IIT BHU में एडमिशन ले रहा है, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो सर कोई भी अगर बच्चे को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले तो बच्चा पता नहीं देश के किस कोने में एडमिशन ले सकता है। आज केजरीवाल सरकार के प्रयासों से दिल्ली के बच्चे अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं।